एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद कई सारी फैन थ्योरीज आई। इन्हीं में से एक थ्योरी थी स्पाइडरमैन को लेकर, पर अब इस थ्योरी पर फिल्म के डायरेक्टर्स यानी कि रूसो ब्रदर्स ने खुलासा कर दिया है। जी हाँ, इस फैन थ्योरी पर मुहर लगा दी है फिल्म के डायरेक्टर्स ने। कौन सी है वो थ्योरी और कौन सी थ्योरी को कंफर्म कर दिया है डायरेक्टर्स ने, क्या किया है उन्होंने खुलासा, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अभी तक नहीं देखी है, वैसे फिल्म की रिलीज को एक महीना तकरीबन हो गया है, तकरीबन काफी लोगों ने देख ली होगी, पर अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी, तो जनाब इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें स्पॉइलर है। तो मैं बात कर रहा था एक थ्योरी के बारे में। दरअसल जब से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई तब से कई सारी थ्योरीज है, जिनमें से एक थी एक दुख भरे क्षण को लेकर, जब स्पाइडरमैन आयरन मैन की बाहों में मरता है। जी हाँ, थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे कर लेता है, चुटकी बजाता है और आधी यूनिवर्स खत्म होने लगती है, हवा में उड़ जाती है धूल बनकर, और इन्हीं में से एक था स्पाइडरमैन। पर जब स्पाइडरमैन मरता है तो वो मरते मरते टोनी स्टार्क की बाहों में कहता है कि मुझे अजीब लग रहा है मिस्टर स्टार्क, मैं मरना नहीं चाहता। और फिल्म का ये मोमेंट काफी दुख भरा था, कई फैंस काफी दुखी हुए थे पीटर को ऐसे मरते हुए देखकर। लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे, वो ये कि जहां एक तरफ मरते वक्त किसी को पता नहीं चल पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उसमें स्पाइडरमैन ने मरने से पहले ये क्यों कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे पहले ही फील क्यों होने लग गया था कि कुछ गलत होने वाला है। इस पर फैन थ्योरी आई थी कि ये इसका स्पाइडी सेंस था। अब फिल्म के डायरेक्टर से जब ये पूछा गया हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या स्पाइडरमैन में पहले ही खतरे को भांप लेने की शक्ति है, क्या उसका स्पाइडी सेंस उसे ये बता चुका था कि वो मरने वाला है, क्या उसे आने वाले खतरे का पहले ही आभास हो गया था, इस पर फिल्म के डायरेक्टर्स ने मुहर लगा दी और फैन थ्योरी को सही बताया है। जी हाँ, डायरेक्टर्स ने कहा है कि फैंस ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। जो रूसो ने इस बात का जवाब दिया और कहा कि उसमें खतरे को पहले ही भांप लेने की शक्ति है, जो उसका स्पाइडी सेंस वाला पावर है। तो फिलहाल तो इस फिल्म के बाद कई तरह की फैन थ्योरीज आई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं आने वाली अगली फिल्म के लिए, यानी कि जिसे अभी तक एवेंजर्स 4 कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि फिल्म में आगे और क्या क्या होता है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद फैंस के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है कि अब होने वाला क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।